विकी कौशल ने रिएक्ट किया सनी देओल के तौबा तौबा पोस्ट पर, कहा आपके ही फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों एक्टर विकी कौशल ने रिएक्ट किया है सनी देओल के वायरल वीडियो पर, जहां पे वो तौबा तौबा का हुक स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं। बैड न्यूज एक्टर विकी कौशल ने रीपोस्ट करते हुए सनी देओल की इंस्टाग्राम स्टोरी को रिएक्ट किया है। विकी ये भी लिखते हैं कि वो उनके ही फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों विकी कौशल का नया गाना तौबा तौबा रिलीज हुआ है उनकी अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज से, और इस वक्त वो ट्रेंड पर चल रहा है। वही दोस्तों गदर एक्टर सनी देओल ने भी एक मीम सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये रील जो है उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगाया था, जहां पर वो लिखते हैं, When they say you can't dance but you find out you did it before anyone else। इसी स्टोरी को देखने के बाद विकी कौशल ने इस पे रिएक्ट करते हुए लिखा, Following your footsteps and hook steps sir। वही दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे, एज एन एक्टर विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और अपने करियर में उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। दूसरी ओर उनकी ये नई मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है बैड न्यूज, और इसका नया गाना तौबा तौबा जो रिलीज हुआ है उसे भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वही दोस्तों आपको बता देते हैं कि तौबा तौबा बैड न्यूज का पहला गाना है जिसमें हमें विकी कौशल और तृप्ति दिमरी देखने के लिए मिले हैं, और इसी के साथ इस गाने को जिसने गाया है सिंगर करण औजला वो भी इस गाने में नजर आए हैं। आपको दोस्तों ये भी बता देते हैं कि ये जो फिल्म है ये 19 जुलाई को रिलीज की जाएगी, और इसके जो OTT रिलीज राइट्स हैं वो Amazon Prime के पास हैं। आपको ये भी बता देते हैं कि ये फिल्म जो है इसकी प्रोड्यूसर करण जौहर है, उनकी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, और अब ऑडियंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये फिल्म एक स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन पे बेस्ड फिल्म है, सो इस फिल्म को एज इफ एक मैसेज और एक कॉमेडी के टाइप पे लाया जा रहा है। देखते हैं कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस फिल्म को। खैर दोस्तों आपका सबको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।